हेलो गाइस, मेरा नाम है ज़ैन और मेरा नाम है हमसा। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज की जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं वो अर्तुगरुल गाजी की कास्ट पर है। बिल्कुल, ये अर्तुगरुल गाजी की वीडियो है। हमने अभी तक किसी अर्तुगरुल गाजी की वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया था, तो हमने सोचा कि अब अर्तुगरुल गाजी की वीडियो पे कोई निकालते हैं अच्छी, उस पे रिएक्शन। चैनल जो चैनल है ना जिससे वीडियो डाली हुई, भाई काफी भाई ओपी कंटेंट डाला हुआ है। अब्दुल की आवाज चैनल का नाम है, अगर तुम लोग ये चैनल देखना है, काफी अच्छी वीडियो डालते हैं इनका चैनल, तुम चेक करो, काफी सही वीडियो डालते हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 8 people who resemble with Ertugrul Ghazi cast। और मैंने ये थोड़ी सी शुरू से देखी थी हम दोनों ने, फिर हमने सोचा कि यार अब पूरी वीडियो आप लोग साथ देखते हैं। कि जो मुझे टाइटल से जहाँ तक ये मेरे को समझ आ रहा है कि जो कास्ट है वो मतलब जो है ना सेम सेम शक्ल की, पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के जो एक्टर हैं उनसे सेम सेम शक्ल मैच करती है। बिल्कुल सही कह रहा है। चलो यार काउंट डाउन करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1, 2 and 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल। और मैं हूं सादिया। और आप देख रहे हैं अब्दुल की आवाज़। नाज़रीन, कहा जाता है कि दुनिया में हर शख्स के 4 हमशक्ल होते हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ खितों में पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शोबिस से जुड़े लोग अब किसी खित्ते की मलकियत नहीं होते, बल्कि इनको पूरी दुनिया के लोग जानते और पहचानते हैं। इसीलिए उनके हमशक्ल अफराद का हम लोगों के मुकाबले में जल्द पता चल जाता है। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी हम शक्ल दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और उनकी ये मुमासलत हैरत अंगेज हद तक है। आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के ऐसे कुछ किरदारों के बारे में बताएंगे जिनकी शक्लें काफ़ी हद तक उनसे मिलती हैं। इनकी शक्लें आपस में कितनी मिलती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। कार्डिनल थॉमस और शहूद अल्वी। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में एक विलन का किरदार अदा करने वाला कार्डिनल थॉमस, जिसने मुसलमानों के खिलाफ खूब साजिशें की लेकिन नाकाम रहा। इसकी शक्ल पाकिस्तानी अदाकार शहूद अल्वी से काफ़ी मुशाबहत रखती है और ये मुशाबहत इस हद तक है कि देखने वाले इनको जुड़वा भाई समझते हैं। अर्तुगरुल गाजी और हमजा अली अब्बासी। स्मार्ट और यूनानी खदोखाल के मालिक अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने वाले एंजन अल्तन किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और हमजा अली अब्बासी भी अपनी मुनफरिद शनाख रखते हैं। कहा जाता है कि इनकी शक्ल पाकिस्तानी अदाकार हमजा अली अब्बासी से काफ़ी मिलती है। काई कबीले का ढोलची और यूनस खान। यूनस खान ने क्रिकेट की दुनिया में अपना खूब नाम कमाया और उन्हें कौन नहीं जानता। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में काई कबीले का ढोलची का किरदार अदा करने वाले इस शख्स की शक्ल कुदरती तौर पर यूनस खान से बहुत मिलती है और इसका इदराक इनको खुद भी है। यही वजह है कि लोग पहली नजर में इसे यूनस खान समझ बैठे। कतलूजा और उस्मान खान शिनवारी। इस ड्रामे के तीसरे सीजन का एक किरदार जिसका नाम कतलूजा है, उसकी शक्ल मशहूर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर उस्मान खान शिनवारी से काफ़ी मुशाबहत रखती है और यही वजह है कि देखने वालों ने जब पहली बार कतलूजा को देखा तो शक में पड़ गए कि कहीं ये उस्मान खान शिनवारी तो नहीं। सुलेमान शाह और जनरल राहील शरीफ। इस ड्रामे में अर्तुगरुल के वालिद और काई कबीले के सरदार का किरदार अदा करने वाले सुलेमान शाह और पाकिस्तानी फौज के साबिक सिपा सलार जनरल राहील शरीफ दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और इन दोनों की ना सिर्फ शक्लें बल्कि बालों का स्टाइल भी कुदरती तौर पर आपस में काफ़ी मुमासलत रखता है। तुर्गुत और मोहम्मद अली खान। ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में सल्तनत उस्मानिया के सबसे पहले चीफ कमांडेंट का किरदार अदा करने वाले तुर्गुत, जो कि शायद इस ड्रामे में अर्तुगरुल और हलीमा के बाद सबसे ज़्यादा मकबूल है, उसकी शक्ल पाकिस्तानी बॉक्सर हाफिज़ मोहम्मद अली खान से हु बहू मुशाबियत रखती है। इन दोनों की बाज़ तस्वीर देखकर इन दोनों की मुशाबियत का हद दर्जा अंदाज़ा होता है। एक जैसे चेहरे के खदोखाल, यकसा मुस्कुराहट और अंदाज इन दोनों को एक दूसरे का मुशाबा बनाता है। मोहम्मद अली खान का भी यही कहना है कि लोग अब उसे तुर्गुत के नाम से ही पुकारते हैं। द्वानबे और विराट कोहली। क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली का जब नाम आता है तो शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस नाम से नवाकिफ हो। अपनी मेहनत से क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने वाले विराट और ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में द्वानबे का किरदार अदा करने वाले जीतन गुनेर की शक्ल हूबहू आपस में मिलती है और उनकी शक्लों की मुमासलियत इस हद तक है कि लोग उन्हें जुड़वा भाई समझते हैं। तमीर उस्ताद और हॉक हॉगन। इस ड्रामे में तमीर उस्ताद का किरदार अदा करने वाले मेहमत सेवक न सिर्फ चेहरे की मुनासबत से बल्कि जिस्मानी खदुखाल से भी माजी के मशहूर रेसलर हॉक हॉगन से हद दर्जा मुशाबत रखते हैं। इन सब लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए।
हाँ तो भाई कैसी लगी तुम लोग को ये वीडियो? बहुत अच्छी वीडियो थी। इसमें जो लास्ट में ये बताया ना, ये भाई काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा था हॉल्क हॉगन, जो WWE देखते हैं, जो WWE के लवर से भी उनको तो पता होगा हॉल्क हॉगन कौन है। और ये काफ़ी मेरे तकरीबन सारे जो इन्होंने बताए ना, सारे सेम बताए, मतलब कोई 19-20 या आप तकरीबन 90% आप कहेंगे कि तकरीबन, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा लगा, मुझे लगा विराट कोहली वाला जो था वो बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था, बिल्कुल सेम लग रहा था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा। हाँ और क्या कहते हैं वो भी सुलेमान शाह भी काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा था जनरल रहीम शरीफ के साथ, और दोनों काफ़ी अच्छे, दोनों की आदतें सेम है, इंसाफ पसंद है दोनों दोनों काफ़ी सही है। यार तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी? तुम लोगों को इनको वीडियो, इनका लिंक जो है वो काफ़ी चेक करना है, तुमने ज़रूर चेक करना है, डिस्क्रिप्शन में होगा। और कैसी लगी वीडियो तुम हमें कमेंट करके बताओ भाई, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना देख रहे तुम्हें हमारा कितना आ रहा है भाई। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।